नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक नए खबर के साथ में। वैसे तो अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग परंपराओं के साथ दिवाली त्यौहार मनाते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से अलग परंपराओं के साथ दिवाली मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में दिवाली के समय किए जाने वाले सुआ नृत्य के बारे में। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की एक बहुत अच्छी और बहुत सुंदर संस्कृति है जो अभी तक चलती आ रही है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है और एक लोकगीत है। सुआ नृत्य विशेषकर दीपावली के समय में ही किया जाता है। दीपावली के दिन से शुरू करते हैं या उससे ठीक 3 से 4 दिन पहले, जो अगहन मास तक चलता रहता है। सुआ नृत्य की संस्कृति पुराने समय से चलता आ रहा है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है जो समूह में किया जाता है। सुआ का अर्थ होता है तोता। सुआ एक पक्षी होता है जो रटी रटाई बातों को बोलता है, दोहराता है। इस सुआ नृत्य लोकगीत में महिलाएं तोते के माध्यम से संदेश देते हुए नृत्य करने के साथ साथ गीत गाती हैं। सुआ नृत्य खुशी के माहौल को दोगुना करता है। सुआ नृत्य के गीत में स्त्री मन की भावना, उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। इस गीत में स्त्रियां अपने सुख दुख या दूर शहर में काम करने गए अपने प्रीतम की विरह में गीत गाते हैं, या फिर आपस में नोक झोंक या राम सीता को लेकर गीत गाते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस नृत्य को मुख्यतः दीपावली के समय ही किया जाता है। इसमें महिलाएं 5 से 10 लोगों का समूह बनाकर सबके घरों के आंगन में, दुकानों में जाकर सुआ नृत्य का गीत गाती हैं और सुआ नृत्य करती हैं, और अपने साथ एक टोकरी में मिट्टी का सुआ बनाकर और उसमें धान या चावल रखकर उसके चारों ओर घूमकर नृत्य करते हैं। सुआ नृत्य के बाद लोग उनको बदले में दान के रूप में धान, चावल, पैसे या कुछ और भी प्रकार के अनाज दान करने का परंपरा है, जिसे वे दीपावली के बाद आपस में बांटते हैं
या फिर एक जगह इकट्ठा कर कुछ विशेष काम के लिए रखा जाता है। फिर वे अनाज देने वालों को आशीष देकर दूसरों के आंगन में जाने के लिए विदाई लेते हैं और वे विदाई के गीत गाते हैं और विदा लेते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की यह संस्कृति अब भी चलती आ रही है, जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है और दीपावली त्यौहार के खुशी को दोगुना करता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।